हमारे देवालय के आचार्य प्रभु ने हमें परामर्श दिया है कि आज विश्वरूप दर्शन योग के द्वारा हम लोग भगवान का के विश्व रूप का दर्शन करें। विश्वरूप दर्शन योग श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय है। और जब भगवान ने 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों के संबंध में अर्जुन को बता दिया था, तब अर्जुन को और अधिक उत्सुकता जगी और उसने कहा कि यदि मैं, आप समझते हैं कि मैं विश्वरूप, आपके विश्वरूप दर्शन का साक्षात दर्शन कर सकता हूं, तो कृपया हमें बताइए, हम प्रयास करेंगे कि इस गूढ़ तत्व का और भगवान ही दर्शन कराएंगे। दर्शन तो हो ही रहा है, इनका साक्षात विराजमान है, लेकिन इनके विश्व रूप का दर्शन। अथ एकादशोध्याय अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संगीतं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो। आप मुझ पर कृपा करने के, अर्जुन कहता है कि मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो इस अद्भुत योग को मुझे बताया उससे मेरा मोह चला। अर्जुन ने यहाँ स्वीकार कर लिया, अर्जुन मोहग्रस्त हो गया था कि हम कैसे तमाम अपने संबंधियों को मारेंगे, अन्याय के विरुद्ध युद्ध करने से उसने मना कर दिया। कृपणता, कार्पण्य, क्लियुता, कायरता आदि दोषों से वो ग्रस्त हो गया था, परंतु अब यहाँ आकर के 10 अध्यायों की यात्रा करने के उपरांत, यानी कि इतने उपदेश सुनने के बाद, अर्जुन कहता है कि आपने कृपा करके मुझे ये सब बताया है। और यह भी कहा कि भवाप्यो हि भूतानां श्रुतौ हस्तर्षो, आपने संसार की, जगत की, सृष्टि की, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, भव माने उत्पत्ति और अप्यय अर्थात विनाश के बारे में भी मुझे बताया और मैंने सुना। हे कमल पत्राक्ष, हे कमल पत्र के समान नेत्रों वाले, आपने अपनी अविनाशी महिमा भी मुझे सुनाई, अव्यय महात्म्य को सुनाई। और जैसा आपने एवं एतद् यथात्वम् आत्मानं परमेश्वर, अब संबोधन कर रहा है कि हे परमेश्वर, जैसा आपने कहा है ठीक वैसा ही है। आपका महत्व, आपकी महिमा, आपकी कीर्ति, आपकी प्रसिद्धि, आपका महत्व वैसा ही है। लेकिन मैं सीधा सवाल कर दिया, अपना इच्छा प्रकट कर दी, अपनी मांग करता है, भक्त मांग करता है अधिकारवश कि अब तो हे पुरुषोत्तम, मैं आपके इस ऐश्वर्यमय रूप को देखना चाहता हूँ। कभी अवसर मिलेगा तो पुरुषोत्तम शब्द की व्याख्या करूँगा, अद्भुत है। पुरुषोत्तम योग ही है पूरा 15वां अध्याय गीता का, गीता में 18 अध्याय है। फिर कहता है कि यदि आप ये मानते हो कि मैं, हे प्रभु, प्रभु शब्द कहता संबोधन करता, हे प्रभु, जो जगत की उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति पालन और विनाश करने में समर्थ है और पूरे जगत के स्वामी हैं, उन्हें प्रभु कहा जाता है, वही प्रभु हैं। कहता है प्रभु हैं और आप योगेश्वर भी हैं, यदि आप समझते हैं मन योगेश्वर ततो मैं तुम दर्शय आत्मानम अव्ययम्, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन करा दिए। अद्भुत मांग है, ये दर्शन कर लेना चाहता है। श्री भगवान ने कहा कि ठीक है, देख तू मेरे सैकड़ों और हजारों रूपों को देख, पश्चिमी पार्थ रूपाणी शतशो अथ सहस्त्रशः, सैकड़ों और हजारों माने अनगिनत रूपों को देख, नाना विधा, जो नाना प्रकार के हैं, नाना विधा और दिव्य अलौकिक है वो, इस लौकिक जगत में से तुम के किसी भी स्वरूप से उसकी तुलना नहीं कर सकते हो, अलौकिक है वो और नाना वर्णों के हैं और नाना आकृतियों के, साक्षात विराजमान है सगुण रूप में वहाँ श्री कृष्ण। और अब वो कह रहे हैं कि मैं तुझे जो दिखाने जा रहा हूँ
मैं जो अपना दर्शन कराने जा रहा हूँ वह अर्जुन नाना रंगों वाले, नाना आकृतियों और स्वरूपों वाले हैं, दिव्य हैं और अनगिनत स्वरूप हैं। कहा तुम इसमें क्या क्या देख सकते हो? आदित्यों को देखो, अदिति के 12 पुत्रों का नाम आदित्य है, अदिति के 12 पुत्र हैं, उन सबको आदित्य कहा जाता है और उनमें विष्णु सर्वश्रेष्ठ है। भगवान ने कहा है 10वें अध्याय में, आदित्यानाम विष्णुरहम, मैं आदित्यों में विष्णु हूँ। पश्चादित्यान वसून, 8 वसुओं को देखो। रुद्रान, एकादश रुद्र है, एकादश रुद्र, एकादश अवतार हैं भगवान हनुमान जी, एकादश रुद्रावतार हैं भगवान शंकर के। तो एक रुद्र के एकादश रूप हैं रुद्रान। अश्विनों को देखो और 49 मरुत हैं, 49। ये प्रकृति का एक वर्णन कर रहे हैं भगवान की, जो 49 वायु है उनको भी तुम मुझे एक ही जगह देख लोगे। बहु नदिष्ट पूर्वाणी, तमाम ऐसी बातें देखोगे जिन्हें तुमने कभी नहीं देखा होगा। थोड़ा सा अगर आपकी एकाग्रता ध्यान हो जाएगी तो उनकी ही कृपा से सचमुच भगवान का दर्शन होगा। और जब आप पाठ करेंगे इस अध्याय का तो नित्य प्रति भगवान का दर्शन कर सकेंगे। और कहा कि और भी क्या क्या देखोगे, आश्चर्य तमाम देखोगे, तुम अचरज में पड़ जाओगे, यू विल बी सरप्राइज्ड, यू विल बी एस्टोनिश्ड, यानी ये मैं क्या देखा, ये सब क्या, क्या है ये सब। कहा यह कस्थम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम, यहाँ इस मेरे एक शरीर में एक जगह पूरे चराचर जगत को तो देख, मेरे इस शरीर में और जो कुछ और देखना चाहता है वह सब भी दिखाई पड़ जाएगा तुझे। इच्छा नेत्र स्पुमिच्छसि। कहा लेकिन तुम अपने इन साधारण जन्म चक्षुओं से, ये जो तुम्हारा क्षित जल पावक गगन समीरा 5 महाभूतों से बना हुआ शरीर है और उनमें जो ये नेत्र हैं उनसे तुम नहीं देख सकोगे, तब मैं तुझे दिव्य चक्षु को देखूंगा, तुम्हें मैं दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, तब मुझे तुम मेरे ईश्वरीय योग को देख सको। योग भगवान कहते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण कि मैं साक्षात योग हूँ और योग माया से ही प्रकट होता हूँ, अवतार लेता हूँ। आज तुम मेरे उस ईश्वरीय योग शक्ति को साक्षात देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से बताया, वहाँ संजय धृतराष्ट्र को ये सब बता रहा है। एव मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि, महायोगेश्वर है, महायोगेश्वर हैं। और हरि, हरि का अर्थ होता है जो पापों को हर ले। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत कहते हैं, तो हरि का अर्थ है जो पापों को हर ले। तो कहता है तब महायोगेश्वर हरि ने ऐसा कह करके अपने उस ईश्वरीय रूप को दिखाया, दर्शयामास माने दिखाया, पार्थाय परमं रूपमैश्वरम। क्या क्या था उसमें देखें आप, क्या क्या था, अनेक वक्त, अनेक मुख थे उसमें, अनेक नेत्र थे, अनेक अद्भुत दर्शन हो रहे थे उसमें, अनेक दिव्य आभूषण पहने हुए थे भगवान और अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्रों को लेकर हाथ में खड़े थे, दिव्य माला पहने हुए थे, दिव्य वस्त्र पहने हुए थे और दिव्य गंधों का लेप किए हुए थे इत्रों का, और सर्व आश्चर्यमय उनका रूप था और विश्वतो मुख चारों ओर उनका समूची सृष्टि, समूची तमाम ब्रह्मांडों में उनका स्वरूप दिखाई दे रहा था। और ये जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जो भगवान ने कहा है, एटम, एटम्स को जिसने डिसइंटीग्रेट किया था, जिस साइंटिस्ट ने अणुओं को, जिस साइंटिस्ट ने डिसइंटीग्रेट किया, तो जिस दिन वो डिसइंटीग्रेट हुए अणु और तमाम प्रकाश छा गया, तब उस वेस्टर्न वैज्ञानिक ने, उस पाश्चात्य वैज्ञानिक ने, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, इसी यही मंत्र अचानक उसके निकल पड़ा था। अचानक जब डिसइंटीग्रेट हुए एटम्स, तब अचानक मुख से यही मंत्र निकल पड़ा था। इसका मतलब वो गीता पढ़ा, तब इतना बड़ा काम कर सका वो एटम्स को डिसइंटीग्रेट कर सका था। दिवि माने दिशाओं में, सूर्य सहस्त्र से माने हजारों सूर्य
भवेत युवत उद्दिता, हजारों सूर्यों का प्रकाश दिशाओं में एक साथ उदित हो जाए, एक साथ उदित हो जाए, और तब भी वैसा प्रकाश नहीं होगा जैसा प्रकाश उस महात्मा योगे महायोगेश्वर श्री कृष्ण का था। ऐसा हजारों सूर्य एक साथ उदित हो जाए और वहां पर एक जगह पर समूचे जगत को अनेक भागों में बटा हुआ देखा उसी शरीर में, तब वो विस्मय से भर गया, उसका मन आश्चर्य से विस्मय से सरप्राइज्ड हो गया कि ये क्या मैं देख रहा हूं, उसका रोमांच हो गया। हृष्ट रोमा और धनंजय माने होता है जिसने धन की इच्छा, धन की इच्छा, धन की लोभ पर विजय प्राप्त कर लिया था, हुआ था अर्जुन। अनेक शब्दों पर अर्जुन को भी अनेक शब्दों से संबोधित करते हैं भगवान, प्रणम्य शिरसा देवं, तो मस्तक से प्रणाम किया उसने और हाथ जोड़कर बोला, क्या यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आप लोग यहाँ ध्यान दे देंगे तब घर पर इसको पढ़ेंगे, बहुत ही कल्याणकारी पाठ है और निश्चय ही प्रतिदिन 11वें और 12वें अध्याय का पाठ करने वाले भक्त की, जो शुद्ध अंतःकरण से श्रद्धा के साथ पाठ करते हैं, उनका ऑल राउंड कल्याण होता है, उनका सब कुछ आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण होता है, उनका सब कुछ उन्हें मिल जाता है जो चाहते हैं ईश्वर की ही कृपा से, और अगर कुछ नहीं चाहते तो स्वयं भगवान उनको मिल जाते हैं, और भगवान से हमें भगवान को ही मांगना चाहिए, बाकी तो हमें घेलवे के रूप में मिल जाता है ईश्वर की ही कृपा से। पश्यामि देवांस्तव देवी, हे देव, हे योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज, मैं आपके शरीर में तमाम देवताओं को देख रहा हूँ, तमाम प्राणियों के समूह को देख रहा हूँ, ब्रह्मा को देख रहा हूँ जिन्होंने इस जगत की रक्षा की है, भगवान शंकर को देख रहा हूँ आपके अंदर, और तमाम ऋषियों को देख रहा हूँ, और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ, अनेक आपकी बाहु बहुत आपकी अनेक असंख्य है, उदर है अनेक, उदर है अनेक, उदर एक उदर नहीं दिख रहा, अनेक उदर, वक्त्र नेत्रम अनेक नेत्र हैं, और आपका स्वरूप अनंत है और चारों ओर है, अनंत रूप है आपका, कोई सीमा नहीं है, इट हैज नो एंड, इट हैज नो बिगिनिंग, नो एंड एंड नो मिडिल, ये तो अनादि है, इसको न आदि है न मध्य है अंत है, कह रहे भगवान इसी में, न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप, और आप मुकुट पहने हुए हैं, गदा लिए हुए हैं, चक्र लिए हुए हैं, तेज की राशि है, मानो तेज राशि होकर आपके अंदर एकत्र हो गया है, और चारों ओर आपकी प्रभा बिखर रही है, तेज बिखर रहा है, दीप्ति बिखर रही है, और आपको मैं देख रहा हूँ, वो देखने लायक देख दुर्निरीक्ष है, आप तो दुर्निरीक्ष है, तो भगवान ने उनको दिव्य चक्षु देख लिया तो देख पा रहे थे, और कैसे मानो अनल और अर्थ अर्थात अग्नि और सूर्य बिल्कुल प्रदीप्त हो गए, दीप्ता अनलार प्रत्युतिम अप्रमेयम कहता है, प्रार्थना कर रहा है, ये प्रार्थना जरूर पढ़नी चाहिए, तम अक्षरम, आप तो अक्षर है, अक्षर माने अविनाशी, आपका विनाश नहीं हो सकता, परमम वेदितव्यम, और आप परम हैं और जानने योग्य आप ही हैं, और आप इस विश्व के निधान हैं, आश्रय, निधान माने जहाँ व्यक्ति रहे, तो इस आप समूचा विश्व आपके अंदर विराजमान है, आप विश्व के आश्रय हैं और आप अविनाशी हैं, और शाश्वत धर्म गोपता है, आप सनातन धर्म के रक्षक हैं, आपको याद होगा वह प्रसिद्ध श्लोक, सबको लगभग स्मरण होना चाहिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदा मानम सृजाम्यहम्, जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं अपना सृजन स्वयं अपनी योग माया योग शक्ति से करता हूँ, तो कहते हैं आप तो सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप सनातन पुरुष भी हैं, ऐसा मेरा दृढ़ मत हो गया, अब मेरा विश्वास हो गया,
अब बिल्कुल इस सिद्धांत को मैं स्वीकार करता हूँ कि आप अनंत हैं, आप पुरुषोत्तम हैं, आप दिव्य हैं। और अना फिर दोबारा कहा, अर्जुन इज रिपीटिंग इट टाइम एंड अगेन कि न आपका आदि है, मध्य है, आप अनंत वीर्यम माने अनंत सामर्थ्य से युक्त हैं, आपकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है भगवान, और अनंत बाहु आपकी भुजाएं अनंत हैं, और सूर्य और चंद्रमा जो है वो तो आपकी ही आँख की तरह दिखाई दे रहे हैं, और मैं प्रदीप अग्नि इस आपके मुखों में प्रदीप्त अग्नि की ज्वाला थदक रही है, और आप अपने तेज से इस संसार को तपा रहे हैं भगवान, तपा रहे हैं आप इस संसार, इस विश्व को, इस सृष्टि को, इस, और आपके अंदर ये सारे देवता आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अमितवाम सुरसंगा विशंति केचित भीता विनंती, और कुछ तो डर के आपके भय के कारण हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, और स्वस्ति तुक्त्वा महर्षि और तमाम महर्षियों के समूह कल्याण हो, स्वस्ति हो, स्वस्ति हो, ऐसा कर करके आप की स्तुति कर रहे हैं, और अनेक श्रेष्ठ स्तुतियों से, स्तोत्रों से आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। रुद्र एकादश रुद्र आदित्य फिर कह रहा है, आठों वसु और जो साध्य हैं, साध्य भी अनेक पुत्र हैं दक्ष को, कभी मौका लगा तो वो तो खैर एक डिसलाइक नंबर साध्य, और विश्व में अनेक अश्विन कुमार, और फिर कहता 49 वायु उष्मपाश्य माने अनेक पितरगण, गंधर्व यक्ष असुर और सिद्धों के समूह मैं आपके अंदर देख रहा हूँ, और सभी तो विस्मय से आपको देख रहा हूँ, सभी तो आपको विस्मय से देख रहे हैं, आप ध्यान दीजिए ये भगवान का विश्वरूप है, और भगवान स्वयं दिखा रहे हैं इसको। अद्भुत बात यह है विश्व के किसी भी धर्म, कोई ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं जो भगवान ने स्वयं कहा हो, गीता के अतिरिक्त और स्वयं भगवान अपना स्वरूप दिखा रहे हैं, आपका महान रूप है, रूपम महत्य, आपके बहुत से मुख नेत्र हैं, आप महाबाहु हैं, आपकी भुजाएं अति विशाल है, और बहुबाहु रूप आपकी अनेक जंगाएं हैं, आपके अनेक पैर हैं, आपके बहुत सारे उदर हैं, और बहुत सारे भयंकर दांत हैं आपके, और सारे लोग अब तो व्यथित हो रहे हैं आपको देखकर। अब आपको देखिए गीता का महत्व, आप देखिए गीता का जो आदि भौतिक महत्व है उसको देखिए, हमारा जो LIC है, आप लोग सब लोग LIC से परिचित हैं, जीवन बीमा निगम जो पब्लिक सेक्टर्स में सबसे अधिक सफल प्रॉफिट दे रहा है, यही LIC ही, और उसका जो लोगो है, जो उसका संदेश वाक्य है वो है योग क्षेम वहाम्यहम, अध्याय योग क्षेम वहाम्यहम, भगवान ने 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपास्यते तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेमं वहाम्यहम्, अपने अनन्य भाव से जो मेरे भक्त हैं, भक्ति करते हैं, उनके योग अर्थात जो उनके पास नहीं है, वैदिक शब्द के रूप में इस्तेमाल हुआ है योग और क्षेम, जो हमारे पास नहीं है उसे भगवान दिला देते हैं, और जो है उसकी रक्षा करते हैं योग क्षेम वहाम्यहम्। और फिर यहाँ पर भगवान यह जो पंक्ति आ रही है कि नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णम्, नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णम्, हमारा हमारी एयरफोर्स, हमारे भारतवर्ष की जो वायुसेना है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट कम्बैटिंग फोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, सर्वश्रेष्ठ युद्धकारी शक्तियों में से एक है, सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं हमारे आकाश में हवा में लड़ने वाले, और उसका जो लोग है हमारे एयरफोर्स का, हमारे रिलेटिव हैं, हमारे फादर इन लॉ हमारे बेटे के, वो एयरफोर्स में अफसर थे, उन्होंने मुझे डायरी दी, उसमें मैंने देखा कि नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णम्, पूरे आकाश को स्पर्श करने वाला आपका अनेक प्रकार का स्वरूप और आपके अनेक रंग हैं, तो इसको ले लिया एयरफोर्स, नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णम्,
व्याप्त आनंदम आपका मुख खुला हुआ फैला हुआ है मुख और दीप्त विशाल नेत्रम और आपके के जो विशाल नेत्र हैं वो प्रदीप्त हैं प्रदीप्त हैं प्रदीप्त हैं दृष्ट्वाहिताम प्रव्यथितान परात्मा और अब आपको देखकर मैं बहुत व्यथित हूँ। आचार्य जी इस बात को समझ जाएंगे प्रव्यथित माने अत्यधिक व्यथित हो गया हूँ मैं मुझे अब न धैर्य रह गया है और न मुझे शांति मिल रही है हे विष्णु हे भगवान आपके तो जितने भयानक दांत हैं आपके भयानक मुख हैं और जो कि काल की अग्नि के समान प्रलय काल की अग्नि के समान आपके मुख पर जुड़ित हैं और मैं न दिशाओं को देख पा रहा हूँ कहाँ से चारों तरफ तो प्रभु ही व्याप्त हैं तो दिशा कहाँ से देखें चारों ओर तो व्याप्त है और हैं व्याप्त दिखाई नहीं देती बस महसूस कर सकते हैं इस बात को ये तो उसका सौभाग्य था कि उसको दर्शन करा दिया भगवान ने और हमारा सौभाग्य है कि इस 11वें अध्याय के विश्व रूप दर्शन के द्वारा हम प्रतिदिन इसका श्रद्धा के साथ प्रकट करके भगवान का दर्शन कर सकते हैं और हे देवेश हे देवताओं के स्वामी हे जगन्निवास भगवान जगन्नाथ भी हैं जो विराजमान है साक्षात जगन्नाथ पुरी में और उड़ीसा में और आप जगन्नाथ भी हैं और जगन्निवास पूरा जगत आपका निवास और पूरा जगत आप में रहता है और अब स्वीकार कर लिया देख लिया जो कह रहा था ना कि मैं कैसे मारूंगा तमाम इन अपने बाबा भीष्म पितामह को गुरु को द्रोणाचार्य जी को जिन्होंने मैं पढ़ाया है तमाम साथियों को सालों को बहनोइयों को कैसे मारूंगा अपने पक्ष में उधर भी बताइए मैं तो राज्य क्या पूरे त्रैलोक्य का राज्य नहीं चाहूंगा खून से सना होकर अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना भगवान ने कहा था कि ये तो तेरे लिए स्वर्ग का खुला दरवाजा है भगवान ने द्वितीय अध्याय में कहा स्वर्ग द्वारम अपापृतम बहादुर क्षत्र के लिए अन्याय से युद्ध करना स्वर्ग का के खुले दरवाजे के समान है लेकिन वो कायरता आ गई उसके अंदर मोह आ गया देहाभिमान आ गया वह देहात्मवाद से ग्रस्त हो गया वह शरीर को ही आत्मा समझने लगा और आत्मा अजर अमर है आत्मा सूक्ष्म है आत्मा शरीर से अलग है आत्मा कभी नहीं मरता इस बात की विस्मृति हो गई तभी अब दिखा दिया भगवान दिखा दिया कर्तव्य में लगाने के लिए गीता बहुत से लोग ये कहते हैं गीता पढ़ने से तो हमारे लड़के सन्यासी हो जाएंगे सन्यासी तो अर्जुन होना ही चाहते क्या मैं भीख मांग लूंगा लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा लेकिन तब भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई कि तुझे कर्तव्य का पालन करना चाहिए निष्काम कर्म करेगा अगर तो बिना ये चिंता किए अगर लड़ जाएगा तो तुझे पाप भी नहीं लगेगा कहा है कई जगह फिर मौका लगेगा तो बात करेंगे करे जितने धृतराष्ट्र के ये पुत्र हैं सहसौ सब अपने राजाओं के समूह के साथ और भीष्म द्रोण कर्ण और हमारे पक्ष में भी जो जो प्रमुख योद्धा हैं वो सब आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति त्रंस्त्रा करालाने आपके भयानक दांत हैं और केचित विलग्ना और कुछ तो ये वीर कुछ तो बहादुर वीर आपके आपके दांतों के बीच में आपके दांतों के बीच में फंसे हुए हैं और उनके अंग चूर चूर हो गए अंग चूर चूर हो गए हैं और आपके दांतों के बीच में फंसे हुए भविष्य दिखा दिया यहां भगवान ने भविष्य दर्शन भी करा दिया वहीं कि देख लो तू भीष्म हो चाहे द्रोणाचार्य हो चाहे कर्ण हो चाहे हमारे पक्ष के योद्धा सब तो भगवान हमारे ही दांतों के बीच में फंसे हुए हैं उनके अंग चूर चूर हो गए हैं और इस संसार के जितने इसमें वीर हैं वे उसी तरह मेरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं जैसे नदियां समुद्र में जाकर प्रवेश कर जाती हैं और जिस तरह से पतंगे बरसात में तो बहुत अग्नि में प्रवेश करते हैं और तेजी से दौड़ते हैं उसकी तरफ उसी प्रकार ये संसार के लोग विनाश के लिए मेरी ओर दौड़ रहे हैं और आप फिर कहता है अर्जुन को आप तो
उनको ग्रास बनाकर, अपने मुंह में कौर की तरह ग्रास बनाकर चाट रहे हैं, और समी सब और सभी अपने जलते हुए अंगों के आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और आप हे भगवान अपने तेज से संपूर्ण सभी अखिल ब्रह्मांड को आप भर रहे हैं और उनको ताप से भर रहे हैं, उनको तापित कर रहे हैं। प्रतिबंध विष्णु जितने हैं, अब सवाल पूछता है अर्जुन से कि आप हैं कौन? अर्जुन इतना देख लिया तो कहा आप हैं कौन? आज्ञा ही में को भवा इतने उग्र रूप वाले, उसने तो मित्र के रूप में देखा था, सखा के रूप में देखा था, संबंधी के रूप में देखा था, और वो कहता है आपका इतना उग्र रूप है, भगवान का उग्र रूप न हो तो कैसे वो दुष्टों का विनाश करे? परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्ट काम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और मैं आपको नमस्कार करता हूँ भगवान, प्रसन्न हो जाइए, मैं तो आपके आदि को जानना चाहता हूँ, आप जो आदि पुरुष हैं उनको जानना चाहता हूँ, और मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जान पा रहा हूँ कि आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या प्रवृत्तियाँ हैं, मैं नहीं जान पा रहा हूँ, बताइए आप कौन हैं? भगवान कहते हैं मैं इस समय लोगों का विनाश करने के लिए बढ़ा हुआ काल, इतना बड़ा युद्ध, इतनी बड़ी सेनाएं, पूरे भारत पूरे विश्व से वीर आ गए थे उस समय लड़ने के लिए, उस समय का विश्व युद्ध था, कुरुक्षेत्र का वह रणांगण विश्व युद्ध का की गवाही देने जा रहा था, और अन्याय के विरुद्ध युद्ध होने जा रहा था, और अन्यायियों आतताइयों को का विनाश कर देना उनका काम था भगवान का। मुझे अब ऐसा न समझ, मैं अब इन पूरे सभी लोगों का नाश करने के लिए बढ़ा हुआ काल, कालोस्मि लोकक्षय, लोकक्षय कृत प्रवृत्तो, लोक का क्षय करने के लिए बढ़ा हुआ काल हूँ, और इन तमाम लोगों का समाहार करने के लिए मैं प्रवृत्त हूँ। उसने पूछा आपकी क्या प्रवृत्ति है, व्हाट आर यू टेंडिंग फॉर नाउ, व्हाट डू यू इंटेंड नाउ? उनका अब मेरा इंटेंशन ये है कि मैं लोगों को नष्ट करूँ, और रिते पिताम न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्तुता प्रत्येकेषु और प्रत्यनीकेषु योद्धा, तुम्हारे प्रतिपक्ष में जितने योद्धा हैं, तुम्हारे विरोध में जितने खड़े हैं, अगर तू नहीं लड़ेगा तो ही उनका विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, इसलिए तू लड़। तस्मात आदेश दिया, तस्मात त्वमुत्तिष्ठ, वो तो धनुष बाण छोड़कर रथ के पीछे बैठ गया था कि मैं नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ सकता हूँ। कैसी विषम परिस्थिति पैदा हो गई थी उस समय, तो कहते हैं तस्मात त्वमुत्तिष्ठ, उठ खड़ा हो, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर, पूरे राज्य का भोग कर, मैंने ही इनको मार दिया है पहले, निमित्त मात्रम भव सब साचो, तू तो निमित्त मात्र हो गया, हम भी अपने कर्म करें और निमित्त मात्र बनकर। तो द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण तथा जितने वीर हैं मैं इनको पहले ही मार चुका हूँ, तू अपने वैरियों को जीत ले, मार दे। संजय ने फिर धुतराज से बताया कि यह सब केशव के वचन जब अर्जुन ने सुने तो हाथ मुरलिया कांपने लगा हुआ, और फिर नमस्कार किया, और फिर कृष्ण से गदगद होकर अत्यंत डरा हुआ उसने फिर कहा, फिर प्रार्थना आदमी करते हैं, ये प्रार्थना आप करनी चाहिए हम सबको, ये सब हमारे पास उपलब्ध है भगवान के द्वारा, अर्जुन के द्वारा भगवान से की हुई प्रार्थना। स्थाए ऋषिकेश प्रकीर्त्या जगत प्रतिष्ठते च रक्षांश गीता निश्चयती सर्वे, बिल्कुल उचित है, इट इज़ क्वाइट इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स, इट इज़ क्वाइट प्रॉपर, इट इज़ नेचुरल कि सारे सत्संग आपको नमस्कार कर रहे हैं, सभी राक्षस भाग रहे हैं आपको देखकर, और यह जगत आपको देखकर अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है और हर्ष को भी प्राप्त हो रहा है, और आपकी कीर्ति हो रहा है। कस्मात् च तेन मिरन् महात्मनः, और आप तो ब्रह्मा के भी आदि करता है, ब्रह्मा की भी आपने रचना की है, और हे अनंत, हे देवेश, अज हे जगन्निवास,
तुम अक्षरम सत सत्तत परम यत। अब मैं इस प्रार्थना को पढ़ देता हूँ, उसकी व्याख्या भी करूँ, क्योंकि आप लोग मैं देख रहा हूँ बहुत देर से बैठे हैं। तमादिदेव पुरुष पुराण तमस्य विश्व परम निदान वेत्तासि वेद्यम च परम चदान त्वया ततम विश्वमनंतरम। सारा विश्व आपके इस अनंत रूप से व्याप्त है और आप ही जानने वाले हैं और आप ही जाने योग्य हैं, आप परम धाम हैं। वायु हैं, वायु यमोग्निर्वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तोस्ति सहस्रपित्वा। आपको हजारों बार नमस्कार, पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, और फिर भी आपको बार बार नमस्कार है। नमः पुरस्तात्, आपको सामने से नमस्कार है, आपको पीछे से नमस्कार है, आपको चारों ओर से नमस्कार है। आप अनंत क्षमता वाले हैं, अनंत पराक्रम है आपका, और आपने तो सबको व्याप्त करके रखा हुआ है। सकेत अब क्षमा कह रहा, मैंने आपको आपको हठात मैंने क्या क्या बातें कह दी। सकेत लगता आपको मैंने कृष्ण कहा, हाँ योगेश्वर हरि मैंने आपको कृष्ण कहा, आपको मैंने यादव कह दिया, आपको मैंने सखा कहा, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, मैं आपकी महिमा जानता कहाँ था। और यज्ञा वहा सार्थ समर्पितोसी, और जो मैंने हास परिहास में आपका अनादर कर दिया है, विहार के समय, सोते समय, भोजन करते समय, अकेले अथवा कई लोगों के सामने, उस अप्रमेय आपसे को नापा नहीं जा सकता, अप्रमेय अनंत है, असीम है, निसीम है, there are no boundaries, no limits to the existence of God, उसको मैं आपसे क्षमा कर रहा हूँ। आप तो पिता हैं पूरे संसार पूरी सृष्टि के, इस चराचर जगत के, अब आप पूज्य हैं, आप सबसे बड़े गुरु, गुरु गरिया जैसे आप गुरु जी बैठे हुए हैं, आप तो सबसे बड़े गुरु जी हैं, आपसे अधिक बड़ा कोई नहीं है, आपका अतुलनीय प्रभाव है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करके, साष्टांग प्रणाम करके, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम, आपको मैं प्रसन्न करने की कोशिश करता हूँ। और स्तुतियाँ आप स्तुति करने योग्य हैं, और जैसे पिता अपने पुत्र के, जैसे मित्र अपने मित्र के, और जैसे पति अपनी प्रिय पत्नी के अपराधों को सहन करता है, वैसे ही मेरे अपराधों का भी आप सहन करिए, मेरे अपराधों का कुछ सहन करिए। मैंने अपराध किया है आपके प्रति, और आपके इस अदिष्ट पूर्वम रिश्तो दृष्टवा भवेन च भयेन च प्रव्यथित मनो में तदेव ने दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन निवास। आप प्रसन्न होइए, भय मैं बड़ा डरा हुआ हूँ, आप अपने मुकुट गदा चक्र को हाथ में लिए हुए अपने चतुर्भुज रूप को मुझे दिखाइए, ताकि मैं प्रसन्नता को शांति को प्राप्त हूँ। भगवान ने कहा, मया प्रसन्न तवार्जुनेयं रूपं परम दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनंतमाद्यं यन्मे तदन्येन दृष्टपूर्वं। भगवान ने कहा, अपनी योग माया से जो मैंने अपना यह विश्व रूप दिखा दिया, उसको मैंने पहले कभी किसी को नहीं दिखाया था, और अब क्यों दिखाया और किसको दिखाते हैं? कहते हैं वेद पढ़ने वालों को मैंने दिखाया, वेद का बहुत महत्व है। भगवान ने कहा कि मैं वेदों में सामवेद हूँ, वेदाध्ययन करना निश्चय ही कल्याणकारी है, लेकिन वेदाध्ययन और शास्त्राभ्यास तब है जब हम भगवान के चरणों में हमारी अनुरक्ति हो जाए, हमारे प्रेम हो जाए, अनन्य भाव से हम उनकी भक्ति करें, तब उनका दर्शन मिल सकता है। और यज्ञ के द्वारा हम यज्ञ करेंगे, वातावरण पवित्र होगा, हमें पुण्य मिलेगा, पुण्य के भागी होंगे, लेकिन उससे भगवान का दर्शन नहीं होगा, दान से भी नहीं, न अनेक क्रियाएँ करने से, न उग्र तपस्या करने से। एवं रूप शक्य हम लोगों की दस्तुम तदन्य प्रवीर, तू व्यथा को मत कर, मोहित भी मत हो मेरे इस अभूतघोर रूप को देखकर, तू अब दर्ज विपेत थी तू अब दर्ज छोड़ दे, प्रीत को प्राप्त हो, और तदेव में रूपमिदम प्रपश्य, और मेरे उस शांत स्वरूप को देख। इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासाय मया सचेत भूतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। सौम्य रूप धारण कर लिया भगवान कृष्ण ने, भगवान ने
और उसको धीरज दिया। अर्जुन कहता है आपके इस सौम्य रूप को देखकर मेरा चित्त अब स्थिर हो गया और मैं अपने स्वाभाविक रूप को प्राप्त हुआ। दिव्य चक्षु से देख रहा था, दर्शन साक्षात होना वह स्वरूप का मामूली बात नहीं थी। जब अपने सौम्य रूप में आ गए तभी अपनी स्वाभाविक स्थिति में अर्जुन भी आ सका। और भगवान कहते हैं कि मेरे इस रूप को जो तुमने आज देख लिया है, देवता भी मेरे इस रूप को देखना चाहते हैं, और मैं न वेद से, न तपस्या से, न दान से, न यज्ञ से देखा जा सकता है मेरा रूप। मेरा कैसे रूप देखा जा सकता है? अनन्य भक्ति से। इसलिए अब सलाद अंतिम मंत्र है, फिर आप लोग ने शांति से सुना, मैं धन्यवाद ज्ञापन करूँगा। कह रहे मत कर्म कर, मेरे लिए कर, मदर्थ कर, भगवदर्थ कर। हाँ, मत कर, मुझे परम मानो, मुझे भक्त बनो, आसक्तियों को छोड़ दो, वैर और शत्रुता को छोड़ दो, और ऐसा जो करता है वही मेरा हो जाता है। आज आपने धैर्य से भगवान के इस रूप का दर्शन किया, इसमें जो कुछ भी अच्छा था उसे भगवान की कृपा मानकर ग्रहण कर लीजिएगा, और जो कुछ भी त्रुटि हुई हो उसे मेरी गलती मानकर क्षमा कर दीजिएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपकी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वसुदेव सुतम देवम कंसचारुणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम।